मित्रों जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। श्रृंखला चल रही है लक्ष्मी जी की। हमारा प्रयास आपको धनवान, ऐश्वर्यवान, लक्ष्मीवान बनाना है। इस वजह से बहुत मेहनत करके, बहुत मुश्किलों के साथ, बहुत सारे उपाय ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए ला रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप कोई तो एक उपाय करेंगे और लक्ष्मीवान बनेंगे, इधर उधर भटकना छोड़ेंगे, पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, जान मजारों पे जाना शुरू करेंगे। हाँ, मजारों से याद आया मित्रों, एक बात, यदि आप हिंदू हैं तो मजार जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। यदि आप मजार पे जाते हैं, यकीन मानिए लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी, आप पे किसी देवी देवता की कृपा नहीं होगी। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो दूसरे धर्म का है, क्योंकि जिस धर्म के लोग को मजार पे जाना चाहिए वो भी नहीं जाते। इस्लाम में भी मजारों पे जाना मना है। हाँ, वो लोग जाते हैं, फतेहा फातेहा वगैरह पढ़ते हैं, शबे बारात वगैरह में कब्रिस्तान जाते हैं। आपको नहीं पता कि मजार पे फातेहा कैसे पढ़ा जाता है तो आप मत जाइए ना। वहां जाकर आप कर क्या रहे हैं? आप अपने देवी देवताओं से मांगिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइए कि पंडित जी आपने कहा था देवी देवताओं से मांगो, मजार मत जाओ। नहीं जाना है आपको मजार। यदि आप मेरी बात सुनते हैं, यदि आपको हम पर विश्वास है, यदि आपको लक्ष्मी जी पर विश्वास है, यदि आपको हिंदू के देवी देवताओं पर विश्वास है, तो मजार जाना आज से बंद। चलिए अब उपाय बताता हूं। लक्ष्मीवान बनिए, समृद्धिवान बनिए, इधर उधर मत भटकिए, स्वयं से प्रयास कीजिए, स्वयं लक्ष्मीवान बनिए। मित्रों, यदि व्यापार में असफलता हो रही है, किसी काम में असफलता मिल रही है, लक्ष्मी जी नहीं आ रही हैं, रुष्ट हैं लक्ष्मी जी, तो सिर्फ प्रतिदिन 11 कमल के पुष्प लीजिए। किसी भी माली को लगा दीजिए कि भैया मुझे रोज 11 कमल के पुष्प दे जाया करो। सनद रहे, कमल ही लीजिएगा, भेंट या कुमुदनी मत लीजिएगा, कमल ही लीजिएगा। तो कमल के फूल आपको लेने हैं 11। एक मंत्र है, बहुत साधारण मंत्र है, ओम पद्मावती पद्मनेत्रे लक्ष्मीदायिनी सर्व कार्य सिद्धिकारी कारी ओम ह्रीं श्रीं पद्मावत्यै नमः। लिख लीजिए, धीरे धीरे बोल रहा हूं। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे लक्ष्मीदायिनी सर्व कार्य सिद्धि कारी कारी ओम ह्रीं श्रीं पद्मावत्यै नमः। इस मंत्र को पढ़िए, एक बार पढ़िए, एक कमल का पुष्प उठाइए, भगवती को मोगरे के इत्र के साथ भेंट कीजिए। इस तरह आपको प्रतिदिन 11 बार यह मंत्र पढ़ना है। 11 कमल के पुष्प मोगरे के इत्र में भिगोकर चढ़ाना है लक्ष्मी जी को, और करके देखिए। यदि लक्ष्मी प्रसन्न ना हुई तो मेरी शिकायत लक्ष्मी जी से कर दीजिएगा या विष्णु भगवान से कर दीजिएगा। हालांकि ऐसी संभावना, ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं। यदि आप पूरी श्रद्धा से करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आपका धन बढ़ने लगेगा। मित्रों, कोई भी उपाय पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ किया जाता है। आधा विश्वास के साथ कभी भी कोई उपाय नहीं करते। मेरे एक बड़े प्रिय शिष्य हैं राकेश मिश्रा, वो अक्सर कहा करते हैं कि गुरुदेव, विश्वास या तो होता है या विश्वास नहीं होता है, बीच की कोई स्थिति नहीं होती। या तो कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है या नहीं होती है, हाफ प्रेग्नेंट नहीं होती, ऐसा राकेश मिश्रा कहा करते हैं अक्सर, और मुझे उनकी इस बात में सत्यता नजर आती है और मैं सर झुकाकर उनकी बात सुनता हूं। आप भी उनकी बात को सुन लीजिए, विश्वास या तो कीजिए या आज से अनसब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखना बंद कर दीजिए। लेकिन यदि विश्वास के साथ आप कर गए 11 कमल के पुष्पों को इन मंत्रों के साथ, मोगरे के इत्र के साथ लक्ष्मी जी को भेंट कर दिया, तो लक्ष्मीवान बनने से कोई नहीं रोक सकता।
जय श्री राम।